हेलो गाइस, व्हाट इज अप। तो मोटर एम्पायर की नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो यार थंबनेल देख के तो आप सब जान गए होंगे कि ये वीडियो किस पे है। तो जी हाँ, ये वीडियो होगा हमारा महिंद्रा XUV 700 AX7L पेट्रोल ऑटोमेटिक पे। तो यार बिना कोई टाइम बर्बाद करते हुए चलिए बुलाते हैं इस गाड़ी के ओनर। वापस आ चुके हैं और ये हमारे ओनर भाई, ये है अभेद सेठी, जो कि अपने बहुत पुराने दोस्त हैं, जो कि अपने साथ स्कूल टाइम से हैं। तो अभेद भाई, मोटर एम्पायर की पहली ओनरशिप रिव्यू में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो यार ये गाड़ी इनकी है, तो अब हम पूछेंगे सवाल और भाई देंगे जवाब। तो यार सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि आपने यही गाड़ी क्यों चूज़ करी। देखो यार, मेरी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स थी वो थी कि मुझे एक 7-सीटर SUV चाहिए थी, जो कि ठीक ठाक बजट में हो और मेन हो कि अपने प्राइस को जस्टिफाई करे, और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पेट्रोल इंजन हो ताकि वो दिल्ली NCR में 15 साल तक लास्ट कर पाए। तो मेरी जो सारी रिक्वायरमेंट्स है वो इस कार ने पूरी की है। और बीइंग एन एक्स महिंद्रा ओनर, मेरे को महिंद्रा की इस XUV 500 जो ब्रांड है उससे बहुत प्यार था, और XUV 700 भी अपने प्रोमिसेस पे डिलीवर कर रही थी, तो मैंने तभी इस कार को चूज़ किया। अच्छा, तो मतलब ये तो बात हो गई कि महिंद्रा फैन बॉय होने की वजह से भाई का एक रीज़न था गाड़ी। तो यार अब आप मेरे को ये बताओ भाई कि ये गाड़ी आपने कब ली और कितने वेटिंग पीरियड पे ली, यार वो एसेंशियल क्वेश्चन है। क्योंकि हमने जनरली देखा था यार, जब ये गाड़ी की हाइप मची थी तब यार डिलीवरी लोगों को बहुत देरों में मिल रही थी। तो यार भाई से पूछते हैं उसको कितनी दिन में मिली गाड़ी और कौन सी डेट को उसने डिलीवरी ली, बताओ यार। ये बात तो आपने बिल्कुल सही बात कही कि इसका वेटिंग पीरियड बहुत एसेंशियल था, क्योंकि मैंने इस कार को बुक कराया था 10 नवंबर 2021 को। 10 नवंबर 2021 और डिलीवरी मैंने ली 1 सितंबर 2022। ओ भाई, 1 सितंबर 2022, 10 महीने। माय गॉड, 10 महीने बाद भाई को गाड़ी मिली है। और भाई ये था कि बार बार हम कंपनी में पूछ रहे थे कब आएगी, धीरे धीरे उन्होंने कहा कि आपको दिवाली तक, उन्होंने एक डेट दी एस्टिमेट, और लकीली दिवाली से पहले हमें कार अलॉट हो गई थी। हमारी बुकिंग जो थी वो 75,000 के बाद थी, बट हमारी डिलीवरी 50-75% के बीच थी। तो यार आपने ये नहीं सोचा कि जैसे अब आपको भाई ने भी बताया कि 10 महीने उसने वेट किया है इस गाड़ी के लिए, तो यार मन में आया तो होगा कि यार चलो कोई और गाड़ी ले लेते, इसको कैंसिल कर देते हैं। यार कैंसिल का मेन ये चक्कर था कि जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे एक पेट्रोल SUV चाहिए थी, और पेट्रोल SUV मतलब क्या है कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इंजन तो हो SUV में, कोई वीक इंजन SUV में तो मतलब सेंस नहीं बनाता। और आप इसके ड्राइवर्स देख लो, जैसे टाटा सफारी, मैंने सबकी टेस्ट ड्राइव की, टाटा सफारी अच्छी थी, मेरे को कंफर्टेबल भी लगी, बट वो ओनली डीजल कार है। अच्छा, MG हेक्टर में ना मुझे चलाने में मजा आया, ना उसकी लास्ट रो मुझे स्पेशियस लगी। अच्छा। और तब मैंने MG हेक्टर भी रिजेक्ट कर दिया। Alcazar का इंजन ठीक था, बट वो इतनी ऊंची और वाइड नहीं थी, और उसमें स्पेस नहीं लगी। अच्छा, मेरी जो रिक्वायरमेंट थी तो तब ये पूरी कर रही थी, तब इनोवा हाईक्रॉस लॉन्च भी नहीं हुई। अच्छा, तो मतलब भाई का बोलना ये है अगर इनोवा हाईक्रॉस उस वक्त होती तो यार वो डेफिनेटली उसको कंसीडर करते, पर भाई गाड़ी तो गाड़ी है, ये कुछ भी कहो। जब आपके लिए इसका इंटीरियर का रिव्यू लाऊंगा ना, तब आप भी कहोगे कि यार भाई सही बोल रहे हो, गाड़ी तो ये है बहुत बढ़िया। तो यार चलो, अब जैसे आपने बताया कि आपने सफारी की भी टेस्ट ड्राइव ली थी, तो यार आपको सफारी चलाते हुए और ये चलाते में क्या फ़र्क लगा दोनों में? देखो सफारी तो देखो मैंने ली थी डीजल की टेस्ट ड्राइव, तो सफारी भी बहुत पावरफुल कार थी, उसमें वो स्पोर्ट्स 3 मोड्स आते थे, सफारी भी अच्छी रन कर रही थी, बट उसका ये था कि मैनुअल ट्रांसमिशन अच्छा नहीं था, ऑल्दो मैं ऑटोमेटिक कंसीडर कर रहा था, और मेन था कि वो हैरियर पे बेस्ड थी थोड़ा। अच्छा, तो उसमें हैरियर से ज्यादा कुछ एकदम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स इनोवेटिव कार में नहीं लगा। ओके, चलाने ओके, में वो भी अच्छी थी, बट वो पेट्रोल में नहीं थी और वो ओनली डीजल थी। तो यार अब चलो अगला सवाल ये करते हैं भाई से कि यार ये गाड़ी अभी तक कितनी चला ली आपने? ये गाड़ी मैंने अराउंड चला ली है 6400 किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर चला लिए, तो यार 6400 किलोमीटर में आपकी एक सर्विस भी आई होगी इसमें 1000 वाली। हाँ जी। तो यार हमारे जनता से थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दीजिए। देखो सर्विस एक्सपीरियंस जो था, जो कार का सर्विस की बात करें, सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा था, उन्होंने कार अच्छे से वो पिकअप एंड ड्रॉप कर अच्छे से वॉश करके गए, वो करके वो सैटिस्फाइंग था, बट एक तो पास्ट एक्सपीरियंस उसका अच्छे अच्छा, नहीं रहे। अच्छा। एक उसमें एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले का अपडेट का था, जिसमें उन्होंने थोड़ा मतलब क्या किया कि जॉब कार्ड जो था उसमें उन्होंने जो वॉशिंग वाला पार्ट था उन्होंने बिना पूछे लिख दिया कि कस्टमर को वॉश नहीं चाहिए, जबकि जबकि हमसे पूछ लेते पहले उसमें ना नो लिखने से पहले। और सेकंड एक्सपीरियंस अभी हुआ कि इसके जो सिक्वेंशियल इंडिकेटर थे वो 6 महीने बाद उन्होंने देने को बोला था, वो 7.5 महीने बाद मिले, वो भी उनके बाद थोड़ा मैटर को एस्केलेट करके हमने निकलवाए हैं वो। तो यार मतलब इसको कंसीडर करते हुए हम भाई से उसकी रेटिंग ही पूछ लेते हैं, छोटी मोटी चीज़ों पे ना जाने से अच्छा डायरेक्ट रेटिंग पूछेंगे तो आप लोगों को भी अच्छे से इसके बारे में समझ आएगा। तो यार आप 10 में से कितने स्टार देना चाहोगे इसमें? 10 में से 7 स्टार। आई थिंक सेटिस्फाइड है भाई, मतलब ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा नैपी है, हाँ सेटिस्फाइड है, मिडिल रेंज से थोड़ा ऊपर है। अच्छा, तो यार जैसे आपने बोला ये गाड़ी 6400 किलोमीटर चल चुकी है, तो यार आपने इसमें ट्रिप भी करे होंगे फिर? हाँ जी। तो आप थोड़ा हमारे साथ और हमारी जिंदगी के साथ ट्रिप का एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए। तो प्राइमरीली ये कार सिर्फ नॉर्थ में ज़्यादा गई है, हरियाणा पंजाब हिमाचल। ओके। तो मैंने हिमाचल का ट्रिप किया था अपने कजन के साथ, हम 6 लोग गए थे, पूरी बूट फुल थी और
टोटल वो इंक्लूडिंग चंडीगढ़ और लोकल घूम के वो 802-803 किलोमीटर का ट्रिप बैठा था। तो इस कार ने एक्चुअली बहुत अच्छा परफॉर्म किया पहाड़ों पे। मेन रीज़न है इसकी जो हैंडलिंग, जो बहुत हल्का स्टीयरिंग है इसका, पहाड़ों पे आराम से कटती हुई, आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बॉडी रोल भी इसमें अच्छा कंटेंट है और सस्पेंशन भी अच्छा है। और इंजन में तो पावर है ही, 200 हॉर्स पावर का इंजन है, तो ऐसे कोई चढ़ाने में और उसमें प्रॉब्लम नहीं हुई। प्लस इसमें एक ऑटो होल्ड फीचर भी ऑटोमेटिक है, तो ऑटो होल्ड पे डाला तो कार बिल्कुल रोल बैक नहीं हुई। डी मोड पे, ड्राई मोड पे था, ड्राई मोड पे खड़ी हुई गाड़ी थी, और मतलब पीछे रोल लग, न्यूट्रल भी करने की जरूरत नहीं पड़ी और ब्रेक भी रखने की जरूरत नहीं पड़ी अपने आप। उसमें बहुत इफेक्टिवली फंक्शन ने कार को होल्ड करके रखा। अच्छा, तो यार अब ये जो आपने बताया कि 800 किलोमीटर से आपका ट्रिप रहा शिमला का, शिमला या गए थे आई थिंक आप, शिमला चंडीगढ़ लोकल था, तो आपका जैसे दिल्ली टू शिमला बोल लेता हूँ मैं एक तरह से, तो यार इसमें आपका माइलेज कितना है वो एसेंशियल है, क्योंकि जनता का वो जानना जरूरी है। क्योंकि अगर वो गाड़ी कंसीडर करते हैं तो यार कुछ लोगों के मन में होता है कि हाँ भाई माइलेज भी देखी जाए, तो यार माइलेज के बारे में बताओ थोड़ा। माइलेज एक्चुअली क्या है, कार का पेट्रोल ऑटोमेटिक है, तो पेट्रोल ऑटोमेटिक से माइलेज तो सबसे लोएस्ट पेट्रोल ऑटोमेटिक कॉम्बिनेशन निकालती है। तो ऐसा माइलेज इसने हाईवे पे, जब मैं दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा था मैं NH1 पे, तो उसने 14.5 का माइलेज दिया मुझे भाई। 14.5 का माइलेज बहुत अच्छा है यार, तो 14.5 ही मैक्सिमम खींच पाया, वो भी थोड़ा अच्छे से मैंने सेंसिबली थोड़ा ड्राइव किया। उसके बाद जब पहाड़ों पे, आपको पता ही है माइलेज गिर जाता है। हाँ यार पहाड़ों पे तो पक्का गिरता है, क्योंकि यार देखिए ना आप टर्न्स भी हैं, ब्रेक आपको लगाने ही है बार बार, तो पहाड़ों पे तो बनता है यार क्या। पहाड़ों पे मिनिमम जो है 7 तक गिर गई थी। अच्छा। बट स्टिल इसने एक फुल, मतलब मैंने फुल टैंक तो नहीं कह सकता, 85% टैंक में इसने शिमला से ऊपर, शिमला चंडीगढ़ टू शिमला, शिमला टू वापस चंडीगढ़, और थोड़ा बहुत लोकल मिला हम लोग, इसने एक टैंक में कर दिया। यार ये तो काफ़ी अच्छा रहा यार भाई, मतलब ज़्यादा तेल नहीं पिया गाड़ी ने, इसका मतलब ये है। क्योंकि जनरली हमने देखा है कि जो पेट्रोल गाड़ी होती है और वो भी ऑटोमेटिक, भाई तेल काफ़ी पीती है वो तो है, तो मतलब गाड़ी ने अच्छा परफॉर्म किया है इंशाल्लाह। अच्छा, तो यार अब थोड़ा कंफर्ट के बारे में भी बता दो हमको यार, जैसे आपने शिमला का ट्रिप भी मार लिया इससे, बाकी आप, मैंने सुना, मैंने आपसे पूछा भी था, आप चंडीगढ़ भी काफ़ी जाते रहते हो। हाँ। तो यार अब इसमें बता दो कि आपको गाड़ी में फीचर क्या क्या पसंद है, जो कि ड्राइव करते वक्त एसेंशियल है, जैसे अपना राइड कम्फर्ट हो गया, तो उसके बारे में बताओ यार थोड़ा। देखो राइड कम्फर्ट तो इस कार का बहुत अच्छा है, कम्पोज रहती है हाईवे पे, झूलती नहीं है, प्लांटेड रहती है रोड पे। बाकी फीचर्स की बात करो तो देखो यार फीचर्स तो इसमें इतने सारे हैं, ऐसे मतलब क्या है, पैनोरामिक सनरूफ आती है। पैनोरामिक सनरूफ में तो जैसे आप वो उसका कर्टन हटा दो तो एकदम खुला खुला एयरी फील आता है। बाद में इसके ट्रांसमिशन बहुत स्मूथ है और इंजन तो है ही पावरफुल, आपको ओवरटेक करना है बिना सोचे आप हल्का सा पंजा दबाओ और गाड़ी उठती है सीधा। अच्छा। ओवरटेक में प्लानिंग बिल्कुल नहीं करनी पड़ती, कोई भी टाइप की रोड हो। अच्छा। बस ये हम 6 लोग गए, कंफर्टेबल होके, पीछे 4 बैठे, आगे 2 बैठे, डिक्की भी टॉप तक फुल थी, तो कार ने ऐसे मतलब धोखा नहीं दिया, बिल्कुल परफेक्ट, अच्छी कार चली, मतलब आपको मजा आया, मजा आया, ट्रिप आपको बढ़िया रहा था। हाँ, तो यार अब एक चीज और बताओ मेरे को कि अब आप ओवरऑल जैसे आपने गाड़ी खरीद ली, तो यार आप बताओ मेरे को सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड या हैप्पी, ये तीनों चीजों में से आप मेरे को बता दो आप क्या हो इसके लिए। मैं कार से सेटिस्फाइड है, मतलब ठीक है, बोले तो 10 में से 7.5 से 8 स्टार, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? 9 मान। अच्छा तो 9, तो भाई वो तो अनहैप्पी, फिर तो वो हैप्पी हो गया एक तरह से। अच्छा, तो यार चलो अब थोड़ा बहुत फीचर्स के बारे में कर लेते हैं, बात शॉर्ट सा रखेंगे, क्योंकि फीचर्स पे मैं आपके लिए इसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। तो यार इसमें थोड़ा सा हल्का सा डिस्क्रिप्शन लेंगे फीचर्स का। तो यार अब जैसे हमने देखा था कि जब महिंद्रा वालों ने ये लॉन्च करी थी, तब भोकाल सा मच गया था मार्केट में, क्योंकि यार इतने कम प्राइस में इतने वास्ट फीचर्स इस गाड़ी में है ना, क्या बोला जाए उसके बारे में। अब अटैच देख लीजिए आप, इसमें एड्रीनॉक्स वाला फीचर देख लीजिए, तो यार वो सब चीज़ें मेरे से ज़्यादा बेहतर तो भाई बता पाएगा, तो यार थोड़ा सा उसके बारे में बता दो। देखो इसमें एड्रीनॉक्स फीचर वो जो आता है वो बेसिकली वो IoT है, कि आप अपना फ़ोन से कार को कंट्रोल कर सकते हो, जियो फेंसिंग से ट्रैक कर सकते हो, तो वो फीचर जो है मतलब काफ़ी यूज़फुल है। जैसे वो फीचर मेन है कि आप जैसे कार को स्टार्ट कर लो, या कार में आपको प्री कूलिंग करनी है, जैसे आपको मान लो 5 मिनट बाद कार में बैठना है, कार धूप में खड़ी है, तो आप गाड़ी को स्टार्ट कर लो, एक्चुअली कार को कोल्ड स्टार्ट करना है आपको मान लो, तो फ़ोन से कोल्ड स्टार्ट की कमांड दे दो और 2-3 मिनट का टाइम सेट कर दो, जब तक इंजन कोल्ड स्टार्ट हो जाएगा कार का इंजन भी थोड़ा गर्म हो जाएगा, अब AC ऑन करके छोड़ दो, AC ऑन करके छोड़ दिया तो अंदर आप बैठोगे गाड़ी आपको ठंडी मिलेगी। फिर उसके बाद ये है कि आपको कार लोकेट करनी है, हॉर्न एंड ब्लिंक का फीचर है, आपको विंडो रोल डाउन करनी है, वो कर लो, सनरूफ खोलनी है वो खोल लो, फीचर्स काफ़ी वास्ट है, फीचर है। प्लस जियो फेंसिंग से ये है कि जैसे आपने कार, आप ड्राइवर रखते हो, अपने ड्राइवर को कार देनी है, तो आपको होता है कि ड्राइवर कार को कहाँ लेके जा रहा है, वो है तो आप फोन से ट्रैक कर सकते हो, सेफ्टी रहती है, सेफ्टी रहती है, और कितनी स्पीड पर ड्राइवर लेके गए, कहाँ कहाँ से लेके गए, वो सब आपको पता रहता है, तो एक ये सेफ्टी फीचर है। फिर बात करते हैं ADAS की, अब ADAS का आप ये फास्टैग के ऊपर देखने सेंसर लगा हुआ है, ओके, ADAS बेस्ड सेंसर है, तो इसका जो एडवांटेज ADAS का मुझे लगता है वो लगता है मेन हाईवेज पे, अगर हाईवेज पे लेन मार्किंग अच्छी है, अब लेन की बेसिस ऑन कर दीजिए
और आपकी कार उस लेन को मेंटेन मेंटेन करके रखेगी, कार को बाहर नहीं जाने देगी। फिर दूसरी चीज है इसमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, जो कि है कि आगे वाली कार से डिस्टेंस के हिसाब से वो कार की स्पीड, आप एक स्पीड सेट कर दीजिए 80 की मान लीजिए, आगे कोई कार नहीं है वो 80 पे मेंटेन करेगा। फिर आपको एक दूसरा पैरामीटर पूछता है कि आपको आगे अगर कोई गाड़ी आ जाए उससे कितना डिस्टेंस रखा। अच्छा, तो अगर आगे कोई गाड़ी आ जाए मतलब ब्रेकिंग डिस्टेंस मेंटेन रहता है इससे, ब्रेकिंग डिस्टेंस से कार से एक डिस्टेंस कांस्टेंट मेंटेन करके ले उससे ज्यादा स्पीड एडजस्ट हो जाएगी। फिर ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, वो है कि अगर कोई कार के आगे ऑब्स्टिकल आता है तो आपको वार्निंग दे देता है और आपको बोलता है कि आप एक्शन ले लीजिए, अगर मैं फिर भी एक्शन नहीं लिया तो ऑटोमेटिकली ब्रेक मार के कार को रोक लेता है। यार फीचर्स आप देख रहे हो तगड़े बताया, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा। तो यार मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि ये ओनरशिप रिव्यू काफ़ी अच्छा रहा, आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली इसके बारे में। बाकी यार अगर आपको कुछ लगता है कि मैंने कुछ छोड़ दिया या कुछ गाड़ी के बारे में मैं बताना भूल गया तो यार ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में उसके बारे में बताना। तो यार चलो फिर कर देते हैं भाई को अलविदा और फिर करते हैं आपसे उसके बाद बात। चलो ठीक है भाई, थैंक यू यार। तो यार ये था आप सब लोगों के लिए ये छोटा सा ओनरशिप रिव्यू, जो कि था अपनी महिंद्रा XUV 700 AX7L पेट्रोल ऑटोमेटिक पे। तो यार बस चलो, अब जैसा कि आपको पुरानी वीडियो में मैंने बताई दिया था, अपने को करने चार प्रोटोकॉल फॉलो, और वो चार प्रोटोकॉल एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। तो यार चलो इन चार प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ले लेते हैं आप सबसे विदा, अंटिल बाय।